हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच वन इज द मोटराइज स्विंग मशीन पार्ट्स? मोटराइज स्विंग मशीन का कौन सा एक भाग है? ए ट्रेडल, बी बैंडविल, सी बैंडविल कवर, डी पावर स्विच। इसका आंसर जो होगा वो डी पावर स्विच सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भागों का नाम क्या है? पहला है ए टेंशन स्प्रिंग, बी टेंशन नट, सी फेस प्लेट, डी टेकअप लीवर। देखिए इसमें चित्र में ही दिखाया गया है कि इसमें नट लगा हुआ है। ये क्या काम करता है? ये धागे के खिंचाव को सही तरीके से रखता है जिससे कि हमारी सिलाई अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, इसका इसलिए इसका आंसर टेंशन नट सही है। क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भागों का नाम क्या है? पहला है स्विच ए स्विच रेगुलेटर लीवर, बी स्विच रेगुलेटर लॉक स्क्रू, सी स्टॉप मोशन स्क्रू, डी प्रेशर फुट लिफ्टर। तो इसका आंसर जो होगा वो बी है स्टिच रेगुलेटर लॉक स्क्रू, सिलाई नियामक ताला पेच भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे सिलाई को कम बेसी, जो हम बड़ा अगर टॉप लेना हो रहता है तो हम कम बेसी करते हैं इसी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? पहला ए दिया हुआ है टेकअप लीवर, बी प्रेशर फुट लीवर, सी आईलेट, डी प्रेशर बार स्क्रू। तो इसका आंसर जो होगा वो टेकअप लीवर। क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फ्लाई व्हील, स्टाफ मोशन स्क्रू, बैलेंस व्हील, बॉबिन वाइंडर। तो देखिए इसमें चित्र में ही दर्शाया गया है कि ये स्क्रू जैसा है, तो इसका आंसर जो है बी सही है स्टॉप मोशन स्क्रू, जिसकी सहायता से जो है व्हील हम चलाते हैं, मतलब चलता है कम बेसी करते हैं जैसे रोकते उकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भागों का नाम क्या है? प्रेशर बार स्क्रू, टेकअप लीवर, प्रेशर फुट लीवर, स्टिच रेगुलेटर लीवर। तो इसका आंसर जो होगा वो प्रेशर फुट लीवर इसे कहा जाता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 82। विच पार्ट इन वी पुट द बॉबिन इज फिक्स्ड? हम किस हिस्से में बॉबिन को डालते हैं चाहे फिक्स करते हैं? सटल रेस, सटल, बॉबिन केस, बॉबिन वाइंडर। तो देखिए जब हम लोग बॉबिन अपना सेट करना होता है तो हम बॉबिन केस में लगा के तो ही मशीन में लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बॉबिन केस। विच पार्ट होल्ड एंड नीडिल एट वन एंड विथ हेल्प ऑफ द क्लैंप? किन भागों में सुई एक छोर पर होती है? फेस प्लेट में, फ्लाई व्हील में, नीडिल बार में, प्रेशर फुट में। तो सुई जो होती है हमारे नीडिल बार में होती है, इसका आंसर सी सही है। विच अटैचमेंट टू यूज फॉर गैदरिंग फैब्रिक बाई मशीन? कपड़े की गैदरिंग के लिए मशीन में कौन से अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, उसमें कौन से फुट का यूज किया गया उसी के बारे में पूछा गया है। पहला ए बाइंडर अटैचमेंट, बी फोल्डर अटैचमेंट, सी गाइड अटैचमेंट, डी फुट अटैचमेंट। तो हम फुट अटैचमेंट का यूज करते हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज स्पेशली यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पज विथ लॉन्गर स्टिच? ए हिंग्ड प्रेशर फुट,
बी गैदरिंग फुट, सी प्रेशर फुट, डी जिपर फुट। तो इसमें हम गैदरिंग फुट का यूज करते हैं जो कपड़े को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जैसे झालर वगैरह में हमको करना, फ्रिल वगैरह डालना होता है तो उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। विच अटैचमेंट इज यूज फॉर कवरिंग कॉर्ड एंड जिपर? कवरिंग कार्ड और जिपर के लिए कौन सा अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? टक्कर फुट, जिपर फुट, प्रेशर फुट, रफलर फुट। तो देखिए, जिपर फुट का यूज किया जाता है, जो हम चेन लगाते हैं तो उसलिए वो जो फुट लगाया गया जाता है मशीन में चेंज करके अटैचमेंट किया जाता है, वो जिपर फुट का। और टक्कर फुट मीन्स होता है जो टक्स वगैरह हमको डालना होता है तो उस समय हम टक्कर फुट का यूज करते हैं। ठीक है, और फ्रिल वगैरह डालना होता है तो रफलर फुट का हम लोग यूज करते हैं, और सिलाई वगैरह में प्रेशर फुट का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। विच मशीन इज यूज फॉर स्पेशल पर्पज ऑफ फिनिशिंग ईज एंड समटाइम्स फॉर सीमिंग? किनारों को और कुछ सीमिंग को खत्म करने के लिए किस मशीन के उपयोग का विशेष उद्देश्य क्या होता है? ए डबल नीडल मशीन, बी जिगजैग मशीन, सी ओवरलॉक मशीन, और डी बटन स्विंग। तो इसमें इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ओवरलॉक मशीन। क्वेश्चन नंबर 88। विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग आर ज्वाइनिंग व्हाइल स्मूथली स्विंग? किस अटैचमेंट का उपयोग फोल्डिंग और एक साथ सिलाई करते समय किया जाता है? पहला ए गाइड अटैचमेंट, बी बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट, सी फुट अटैचमेंट, डी बटन होल अटैचमेंट। तो इसका आंसर जो हो बी सही है, बाइंडर एंड फोल्डर अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 89। विच इज द ओवरलॉक मशीन यूज्ड टू गुड्स ऑफ टेक्सटाइल फिनिशिंग? अच्छे टेक्सटाइल की फिनिशिंग में किस प्रकार के मशीन का प्रयोग किया जाता है? ए जो दिया हुआ है देखिए, इसमें वन थ्रेड ओवरलॉक मशीन, बी टू थ्रेड ओवरलॉक मशीन, सी थ्री थ्रेड ओवरलॉक मशीन, और डी फोर थ्रेड ओवरलॉक मशीन। तो इसमें जो है फिनिशिंग के लिए हम थ्री थ्रेड ओवरलॉक मशीन का यूज करते हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 90। विच पर्पज ऑफ यूज टू मोटराइज स्विंग मशीन इन गारमेंट इंडस्ट्री? परिधान उद्योग में मोटराइज सिलाई मशीन के उपयोग का क्या उद्देश्य है? ए देखिए जो दिया हुआ है, लो प्रोडक्शन के लिए, बी पुअर प्रोडक्शन के लिए, सी हाई प्रोडक्शन के लिए, डी एवरेज प्रोडक्शन के लिए। तो आप लोग को पता है कि इंडस्ट्री वगैरह में हम मोटराइज स्विंग मशीन इसलिए लगाते हैं, मोटर वगैरह का यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है अधिक मात्रा में हो, तो इसलिए इसका आंसर जो है हाई प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिंगर गार्ड? फिंगर गार्ड का क्या कार्य है? ए वाइंड्स द थ्रेड, बी प्रिवेंट द फिंगर्स, सी हेल्प ऑफ बेल्ट, डी फॉर रविंग। तो इसका आंसर जो होगा प्रिवेंट द फिंगर। यह उंगली को क्या करता है, रोकता है, मतलब उसमें लगा होता है जो मशीन में, फिंगर गार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट आर द मशीन ऑफ मल्टीपर्पज यूज्ड? मल्टीपर्पज मशीन का क्या उपयोग है? ए देखिए दिया हुआ है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, बी ओवरलॉक मशीन, सी जिगजैग मशीन, डी लूप स्टिच मशीन। तो हमारा जो है ये आंसर सी सही होगा, जिगजैग मशीन। देखिए जिगजैग मशीन से हम डेकोरेटिव का भी काम कर सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं फॉल वगैरह वही जिगजैग मशीन से भी नीचे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपर्पज मशीन है। क्वेश्चन नंबर 93। विच मशीन इज गिव्स टू स्टिच ऑफ क्रॉस एंड स्ट्रेट
स्ट्रेट शेप, कौन सी मशीन क्रॉस और सीधी शेप सिलाई देती है? ए ओवरलॉक मशीन, जिगजैग मशीन, फ्लैट लॉक मशीन, चैन डी चैन ऑफ लूप मशीन। तो इसका आंसर जो सही है वो फ्लैट लॉक मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, विच इज द मशीन इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पज, कौन सी मशीन का उपयोग सजाने के लिए करते हैं? जिगजैग मशीन, हैंडल मशीन, ओवरलॉक मशीन, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। तो इसका आंसर जो होगा जिगजैग मशीन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटराइज्ड स्विंग मशीन पार्ट्स ऑफ एसोसिएटर, त्वरक की मोटर चलित सिलाई मशीन के पुर्जे का क्या कार्य है? ए दिया है कंट्रोल द स्विच, बी कंट्रोल द पावर स्विच, सी कंट्रोल द स्पीड, और डी दिया हुआ है कंट्रोल द बैलेंस व्हील। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, कंट्रोल द स्पीड, गति को नियंत्रित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, विच वन इज द नीडल कंट्रोल कैन बी डन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, निम्नलिखित चरणों द्वारा किया जा सकता है? द प्रैक्टिस ऑफ नीडल फिक्सिंग, दे कैन मेंटेन द ब्रोकन नीडल रिकॉर्ड, सी स्टिचिंग प्लेस नीटली, डी प्रोसेस फॉर इजी रनिंग ऑफ द मशीन। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा, दे कैन मेंटेन द ब्रोकन नीडल रिकॉर्डर। इसमें ये होता है कि टूटी हुई सुइयों का हम रिकॉर्ड बनाते हैं, रखते हैं, जिसको कि हम दे के अपनी नई सुई वापस मिलता है, ये कंपनी की रोल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, हाउ द मेंटेन टू विन नॉट इज यूज्ड स्विंग मशीन, सिलाई मशीन के उपयोग में नहीं होने पर मेंटेन कैसे हो, मतलब अगर सिलाई मशीन का अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको हम मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, उसी के बारे में पूछा गया है। ऑन द प्लग, कवर द मशीन, नॉट कवर द मशीन, मोटर रनिंग कंडीशन, जब हमको मशीन नहीं चलाना है, जब हमको उसका उपयोग नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, मशीन को कवर से ढक देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी सही है, कवर द मशीन। क्वेश्चन नंबर 98, विच टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार की सिलाई मशीन का उपयोग किया जाता है? ए डोमेस्टिक मशीन, बी ट्रेडल मशीन, सी हैंडल मशीन, और डी जो है मोटराइज्ड स्विंग मशीन। तो आप लोग को पता है कि अभी आप लोग पहले भी पढ़े हैं क्वेश्चन में कि जब जहाँ पर प्रोडक्शन अधिक मात्रा में जब बढ़ाया जाता है, जहाँ पर उत्पाद हमको ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना है, तो वहाँ पर हम मोटराइज मतलब मोटर वगैरह का लगा के मशीन में मोटर वगैरह फिट करते हैं, जिससे कि हमारा कम समय में ज़्यादा उत्पाद हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो हमारा आंसर क्वेश्चन डी सही होगा, मोटराइज स्विंग मशीन, मोटर चालित सिलाई मशीन का ही उपयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, विच नंबर नीडल आर यूज टू मसलिन कैम्ब्रिक एंड द फैब्रिक्स, मसलिन कैम्ब्रिक और पतले कपड़े पर किस नंबर की सुई का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है 9 से 11, 11 से 12, सी 14 से 16, डी 16 से 18। तो इसमें जो होगा ए सही होगा, 9 से 11। ठीक है, हम पतले कपड़े पर जो यूज करते हैं वो जो होता है हमारा 9 से 11 नंबर के सुई का यूज किया जाता है, ये हम सुइयों का यूज पतले कपड़े पर करते हैं सिलाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 100, विच नंबर नीडल आर यूज्ड टू हैवी ऑफ पॉलिएस्टर फैब्रिक, भारी कपड़े के लिए किस संख्या की सुई का उपयोग किया जाता है? 11 नंबर 14 नंबर 16 नंबर 18 नंबर। तो इसका आंसर जो होगा वो 16 नंबर होगा,
भारी कपड़े अगर हमको सिलना होता है तो हम अपने मशीन में 16 नंबर की सुई का यूज करते हैं, जिससे कि हम आसानी से सिल सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।